हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स में दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं फैक्टर थ्योरम के साथ। तो लिखिए फर्स्ट टॉपिक आज का, फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है। हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, आप उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं। एनी पॉलिनोमियल पी एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए और अ लीनियर फैक्टर देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता था, पी ऑफ ए। ये होती थी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम के लिए बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ज़्यादा, यहीं से हम फैक्टर थ्योरम का जो रिजल्ट है वह फाइंड करते हैं। देखो कैसे, हमें यह पता है कि अगर पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो क्वेश्चन कुछ मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा, पी ऑफ ए। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको कि पी ऑफ ए जीरो हो जाए, इफ पी ऑफ ए बिकम्स जीरो, अगर पी ऑफ ए जीरो हो जाता है तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब पी एक्स जो है वो एक्स माइनस ए से डिविजिबल हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर पी ऑफ ए जीरो होता है तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। अगर पी ऑफ ए जीरो होता है तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और कम्प्लीटली डिवाइड करेगा इसका मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा उस कंडीशन में, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं फैक्टर थ्योरम का। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर एंड इक्वल्स टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर, एंड ए इज एनी रियल नंबर। इफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो देन एक्स माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड इट्स वाइस वर्सा। तो यहां पे क्या लिखा है हमने कि अगर पी ऑफ ए जीरो होता है, यदि पी ऑफ ए जीरो होता है तो एक्स माइनस ए जो होगा वो पी एक्स का फैक्टर होगा। यदि पी ऑफ ए जीरो होता है तो एक्स माइनस ए जो होगा वो पी एक्स का फैक्टर होगा एंड इट्स वाइस वर्सा। एंड इट्स वाइस वर्सा मतलब अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर हो जाए तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इससे हम क्या समझेंगे कि पी ऑफ माइनस टू जो है वो कितना आएगा, जीरो। सिंपली x प्लस टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। और रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा है कि x प्लस टू से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, पी ऑफ माइनस टू। मैं आपसे कहूँ कि 2x माइनस वन जो है वो फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि x की जगह 1 बाई टू रखने पे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की, जीरो। या मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल्स टू थ्री इज ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस थ्री जो है वह एक फैक्टर है। सही है, मैं कहूँ कि p ऑफ माइनस टू बराबर जीरो, इसका मतलब क्या समझे कि x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये सब चीज़ें हैं ना जिसको हम क्वेश्चन में काम लेने वाले। देखिए पहला क्वेश्चन, शो दैट x प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री आर फैक्टर्स ऑफ
2x पावर 3 माइनस 9x² प्लस एक्स प्लस 12। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब फैक्टर तो हमने क्या देखा है कि अगर x प्लस ए या एक्स माइनस ए फैक्टर होता है तो पी ऑफ ए बराबर 0 होता है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x की जगह माइनस 1 रखने पर क्या मिलना चाहिए? 0। तो अगर मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि भाई x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो मैं क्या प्रूफ कर दूँ कि पी ऑफ माइनस 1 कितना है? 0। तो मैं पी ऑफ माइनस 1 निकाल लेता हूँ। पी ऑफ माइनस 1 कितना आ रहा है? माइनस 2 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 12। 9 2 11 1 12 0। सही है। ऐसे अगर मैं पी ऑफ 3/2 निकालूँ यहाँ से तो देखो कितना मिलेगा, 2 × 3/2³ माइनस 9 × 3/2² प्लस 3/2 प्लस 12। सही है। कितना मिल रहा है यहाँ से, 27/8 9/4। अगर इनको सोल्व करें तो 27/4 माइनस 81/4 तो यहाँ से मिलेगा 54/4 माइनस ये हो जाएगा 6/4 और ये जाएगा 48/4। तो ऐड करने पे ये भी कितना बन जाएगा, 54/4 या इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0। सही है। तो हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि पी ऑफ माइनस 1 एंड पी ऑफ 3/2 0 है। पी ऑफ माइनस 1 एंड पी ऑफ 3/2 आर 0। सही है, ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ माइनस 1 बराबर 0 एंड पी ऑफ 3/2 बराबर 0। सो x प्लस 1 एंड 2x-3 आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स बराबर x³ माइनस x² प्लस 3x-1 देन फाइंड ए। आपसे पूछा गया है कि अगर x माइनस ए जो है वह इसका फैक्टर है, अगर x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर है तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। अब जरा सोचो, अगर x माइनस ए फैक्टर है बिकॉज x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स सो पी ऑफ ए शुड बी 0। पी ऑफ ए कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x की जगह a रख दो, a³ माइनस a² प्लस 3a-1 बराबर 0। ये a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। आसान है। तो सिंपली आपको अगर बोला है कि ये इसका फैक्टर है तो आप क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दें और बराबर 0 कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x² माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 12 देन फाइंड ए एंड बी। देख, आपको बोला गया है कि x² माइनस 4 जो है वो इसका फैक्टर है। अब x² माइनस 4 अगर इसको डिवाइड करता है तो एक तरीका तो ये बनता है कि हम इसको डिवाइड कर दें और जो लास्ट में रिमाइंडर आए उसको क्या कर दें, 0 कर दें। दूसरा तरीका क्या बनता है कि हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगाएं। फैक्टर थ्योरम कैसे लगाएंगे, हमें पता है कि x² माइनस 4 जो है वो क्या होता है, x+2 × x-2 होता है क्या। तो अगर कोई नंबर x² माइनस 4 से डिवाइड होता है या कोई पॉलिनोमियल x² माइनस 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो x+2 से भी डिविजिबल है, वो x-2 से भी डिविजिबल है।
सही है। तो बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब एक्स प्लस टू भी इसका फैक्टर है और एक्स माइनस टू भी इसका फैक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं? सो पी ऑफ टू बराबर जीरो एंड पी ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्स प्लस टू फैक्टर है तो पी ऑफ माइनस टू जीरो, क्योंकि एक्स माइनस टू फैक्टर है तो पी ऑफ टू जीरो। तो हम क्या करें, एक्स की जगह टू रखें, एक बार माइनस टू रखें, बराबर जीरो कर दें, तो वहाँ से हमें ए और बी में दो रिलेशन मिल जाएंगे, जिसको सिंप्लीफाई करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब एक्स की जगह टू रखोगे इसमें तो 16 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 12 बराबर जीरो, तो 4a प्लस 2b प्लस 28 बराबर जीरो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, 2 से डिवाइड कर दें तो 2a प्लस b प्लस 14 बराबर जीरो, इसको इक्वेशन वन नाम देते हैं। अब ये तो हमने क्या किया, एक बार x की जगह 2 रखा है, अब एक बार x की जगह माइनस 2 रखेंगे, क्यों? क्योंकि x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। p ऑफ माइनस 2 बराबर, जैसे माइनस 2 रखोगे ये माइनस 8 हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना दे देगा, माइनस 16 प्लस, जैसे यहाँ माइनस 2 रखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4a, यहाँ माइनस 2b प्लस 12 बराबर जीरो, 2 से डिवाइड कर दो तो 2a माइनस b माइनस 2 बराबर जीरो। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a और b की वैल्यू। देखो इक्वेशन 1 तो ये थी आपके पास, और इक्वेशन 2 जो है वो ये, यहाँ पे प्लस बी यहाँ माइनस बी सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब एडिशन कर दें तो यहाँ कितना जाएगा, 4a प्लस 12 बराबर जीरो। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 3। ए कितना मिल गया हमें, माइनस 3, और ए की वैल्यू अगर हम पुट करें तो बी मिल जाएगा। ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए की जगह माइनस 3 माइनस बी माइनस 2 बराबर जीरो, तो माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 8, बी उधर चला जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस 8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, देन फाइंड पी एंड क्यू। देखो सेम पैटर्न है ना, जो पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपको क्या दे रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, इसका फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर हम देखें ध्यान से तो एक तरीका तो वही डिवीजन है, दूसरा तरीका जो फैक्टर थ्योरम हम काम में ले रहे हैं, अगर इसका मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो मुझे मिलता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर इसका फैक्टर ये है, अगर इसका फैक्टर ये है तो ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, तो p ऑफ 1 बराबर 0 एंड p ऑफ 2 बराबर भी 0। जब इसमें एक बार आप 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0, एंड जब 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 16
माइनस फोर पी प्लस क्यू बराबर जीरो। ये इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है, दोनों को सिंप्लीफाई कर दें। सही है, इसको क्या लिखेंगे, 16 माइनस फोर पी प्लस क्यू, क्यू का कोफिशियंट सेम है, सब्ट्रैक्शन कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना गया, ये माइनस 15 प्लस थ्री पी बराबर जीरो। 15 इधर जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। पी की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। और इस पी की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हमें क्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी, पुट पी इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, तो 1 माइनस 5 प्लस क्यू बराबर जीरो, क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। सही, तो कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग। ये थी फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ कुछ जो मिलता है उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, और लास्ट में जो बचता है वो क्या है, रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने जो पढ़ी है वो क्या होती है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स के बारे में तो देखिए चीज़ें सेम वैसी ही यहाँ पे भी। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसको आपने किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया, सपोज ये क्यू एक्स टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बचा आपके पास आर एक्स, रिमाइंडर क्या बचा, आर एक्स। तो आप यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखोगे, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सही, यहाँ भी स्मॉल लिख देता हूँ, डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बट पॉलिनोमियल्स में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, कि जैसे अगर मैं बात करूँ डिग्री के बारे में, तो डिग्री ऑफ पी एक्स जो है, मतलब जब आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री के या तो इक्वल होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल होगा ना उसकी डिग्री या तो टू हो या टू से ज़्यादा हो, टू से कम नहीं चलेगी। अगर मान लो यहाँ एक्स प्लस वन होता तो हम इसको डिवाइड नहीं करते। क्यों डिवाइड नहीं करते, क्योंकि अगर आप डिवाइड करते फिर यहाँ पॉलिनोमियल नहीं मिलता आपको, यहाँ वन अपॉन एक्स आ जाता। तो डिग्री ऑफ पी एक्स जो है ना वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके, डिग्री ऑफ जी एक्स के। अब सेम इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो है ना वो डिग्री ऑफ जी एक्स से हमेशा कम होती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसकी डिग्री इसके बराबर आ जाती तो फिर हम इसको फिर से डिवाइड कर देते, फिर ये रिमाइंडर नहीं होता, ये फिर डिवाइड हो जाता। तो रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री, डिग्री ऑफ आर एक्स ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर डिग्री ऑफ जी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स। मान लो अगर यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब अगर इसकी डिग्री थ्री है, इसकी डिग्री वन है, तो इसकी डिग्री पक्का क्या होगी, टू होगी। तो इन दोनों की डिग्री का सम इसकी डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेसिकली तीन चार वेराइटी के क्वेश्चन दिखते हैं अपने को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड
पी एक्स बराबर एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बाई एंड फाइंड रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। सही है, तो क्वेश्चन क्या है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा। तो बेसिकली इसमें अपने को कुछ नहीं करना, जो हमने प्रीवियस क्लासेज में सीखा है डिवीजन वही करना है। एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से। सही है। अब देखिए, जब भी आपको डिवीजन करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसको हाईएस्ट डिग्री की टर्म से डिवाइड करते हैं, हमेशा यही करते हैं। जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसको हाईएस्ट डिग्री की टर्म से डिवाइड करो। एक्स की पावर फोर को एक्स की पावर टू से करो तो कितने टाइम डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर टाइम। अब जो आया यहाँ पर उससे तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो आफ्टर देन सब्ट्रैक्शन। देखो, एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा आपको, एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस टू एक्स स्क्वायर और एक्स पावर थ्री साइड में लिख देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक्स क्यूब वाली टर्म में सबसे पहले लिखता हूँ माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से कितना बनेगा प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा माइनस फाइव एक्स प्लस टू। अब इसको फिर डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स टाइम, तो माइनस एक्स क्यूब, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो प्लस का टू एक्स, फिर से वही सब्ट्रैक्शन साइन चेंज। तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ कितना मिलेगा आपको, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू। सही, फिर डिवाइड कर दें तो ये हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म इससे प्लस सिक्स टाइम, तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सिक्स माइनस सेवन कितना हो गया माइनस थर्टीन एक्स, ये प्लस हो गया कितना आ जाएगा फोर्टीन। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं यहाँ पे कि रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, और रिमाइंडर कितना जाएगा माइनस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टीन। सही है, तो इस टाइप से डिवीजन वाले क्वेश्चन इस पे बनते हैं। नेक्स्ट, अगर इस पे और आगे बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि इसमें से क्या माइनस किया जाए कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि इसमें से क्या माइनस किया जाए कि इससे डिवाइड हो जाए, तो बेसिकली मैं क्या करूँ कि ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना इसी को माइनस कर दूँ, क्योंकि अगर रिमाइंडर को मैंने माइनस कर दिया तो ये रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। सही बात है, अगर मेरे से पूछा जाए कि इसमें से क्या माइनस किया जाए कि इससे डिविजिबल हो जाए, या मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे से पूछा जाए कि 14 में से क्या माइनस किया जाए कि 5 से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या करो, 14 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा 4, और बोल दो कि सर 4 को माइनस कर दो। जैसे आप 4 को माइनस करोगे तो 14 में से 4 माइनस होते 10 बचेगा, और 10 बचते ही डिविजिबल हो जाएगा। या मैं सिंपली सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं कि अगर आप रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो बचेगा ही नहीं बेचारा, और बचेगा ही नहीं, इसका मतलब उससे डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ऐड किया जाए, तो जैसे मैंने बोला कि 14 में से 4 माइनस कर दो, अब मेरे से पूछा जाता कि क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, तो मैं ऐसा भी बोल सकता था क्या, माइनस 4 ऐड कर दूं, क्योंकि 4 माइनस करना या माइनस 4 ऐड करना दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे, अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या माइनस किया जाए तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर। अगर मेरे से पूछा जाए क्या ऐड किया जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई रिमाइंडर का साइन चेंज करो और ऐड कर दो। सही है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। What must be subtracted from, या फिर आपसे ये भी पूछा सकता है added to, दोनों एक ही साथ देख लेते ना, क्या माइनस किया जाए या फिर क्या ऐड किया जाए। What must be subtracted from
एक्स पावर फोर या एक्स पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। इसमें से क्या माइनस किया जाए या फिर इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये जो है वो इससे डिविजिबल हो जाए, तो तरीका क्या होगा हमारा यहाँ पे, जस्ट डिवीजन कर दो। डिवाइड कर दें इससे, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं, एक्स टाइम डिवाइड हुआ, एक्स से मल्टीप्लाई करो पूरे को, ये आ जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा माइनस वन टाइम। तो जब आप इसको माइनस वन टाइम डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कितना बचा यहाँ पे, टू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो प्लस टू, आपसे बोला जाए क्या ऐड किया जाए तो आंसर माइनस टू। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आंसर इज रिमाइंडर एंड इन केस ऑफ एडिशन आंसर इज माइनस आर, सही। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन, और आपको बोला गया है फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड कीजिए। तो देखो इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आप अगर इस x माइनस टू से इसको डिवाइड कर दें तो जो बचेगा वो इसके बराबर होगा, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो जो क्वेश्चन आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, और जब वो इसके बराबर हो जाएगा तो कोफिशियंट को कंपेयर कर लेंगे, सही है। तो एक तरीका तो क्या बनता है कि आप है ना सिंपली इसको x माइनस टू से डिवाइड कर दो तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x सही है। अब आगे डिवाइड हो जाएगा और वन टाइम सॉरी माइनस वन, तो यहाँ से जाएगा माइनस एक्स प्लस टू कैंसिल। तो आपके पास जो क्वेश्चन आया वो कितना था, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन के। तो अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या नहीं चाहिए टू एंड बी की वैल्यू क्या नहीं चाहिए वन, एक तरीका तो इसका ये बनता है। दूसरा ये भी कर सकते हैं आप लोग कि सीधे एक्स माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर एक्स माइनस टू इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन, अब क्या करो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आता है ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू ए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो माइनस बी माइनस टू ए एक्स कॉमन ले लो तो माइनस वन प्लस टू बी। आप क्या करो कि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है तो कोफिशियंट को कंपेयर करो, जब कोफिशियंट को कंपेयर करोगे तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट ए है और यहाँ पे टू है तो ए की वैल्यू क्या गई टू, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस फाइव है यहाँ माइनस बी माइनस टू ए है तो
तो ये माइनस फाइव के बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू टू डाल दो इसमें, तो माइनस बी माइनस फोर बराबर माइनस फाइव, तो माइनस बी बराबर माइनस वन एंड बी इक्वल्स टू वन। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी ये वो भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स इक्वल्स टू रूट टू इज अ जीरो ऑफ पी एक्स बराबर सिक्स एक्स क्यूब प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फोर रूट टू, देन फाइंड अदर टू जीरोज। देखिए आपको बोला गया है कि x इक्वल्स टू रूट टू, इसका एक जीरो है तो बाकी के दो जीरो फाइंड कीजिए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए आपको पता है कि x इक्वल्स टू रूट टू एक जीरो है पी एक्स का, तो आप ये बोल सकते हो कि x माइनस रूट टू क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब आपको अगर किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर पता है, बाकी के फैक्टर निकालने, तो क्या उससे डिवाइड कर दें क्या? जैसे मान लीजिए मुझे पता है 15 कितना होता है, 3 इंटू फाइव। अगर मैं बोलूँ कि मुझे केवल 3 पता है और नेक्स्ट फैक्टर चाहिए दूसरा, तो मैं क्या करूँ, इससे डिवाइड कर दूँ तो ये मिल जाएगा मुझे। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, अगर मैं x माइनस रूट टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूँ तो मुझे रिमेनिंग फैक्टर्स मिल जाएंगे। सही है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। जब इसको डिवाइड करूँगा तो सिक्स एक्स स्क्वायर टाइम सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स रूट टू एक्स स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ, सेवन रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फोर रूट टू। फिर डिवाइड करो सेवन रूट टू टाइम सेवन रूट टू एक्स टाइम, तो सेवन रूट टू एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो कितना जाएगा ये फोर्टीन, फिर माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा फोर एक्स और माइनस फोर रूट टू, फिर फोर टाइम डिवाइड कर दो तो फोर एक्स माइनस फोर रूट टू। सही बात है, तो यहाँ से आपको इसका रिमेनिंग फैक्टर मिल जाएगा क्या? क्या होगा वो, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन रूट टू एक्स प्लस फोर। अब आपको अगर बाकी के दो जीरो चाहिए तो इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। अच्छा फैक्टराइजेशन करना है तो स्प्लिट किसको करना पड़ेगा, सेवन रूट टू को, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ट्वेंटी फोर। तो एक फोर रूट टू और एक थ्री रूट टू, क्योंकि इन दोनों का सम सेवन रूट टू होता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, ट्वेंटी फोर। यहाँ से कॉमन ले लो टू रूट टू एक्स, नहीं आएगा क्योंकि टू ही कॉमन आएगा, यहाँ से टू एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना बचेगा, थ्री एक्स प्लस टू रूट टू, ऐसे यहाँ से टू कॉमन रूट टू कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचेगा, थ्री एक्स प्लस टू रूट टू, तो ये बन गया टू एक्स प्लस रूट टू एंड थ्री एक्स प्लस टू रूट टू। अब आपको जीरो चाहिए तो यहाँ से जीरो क्या मिल जाएगा, माइनस रूट टू अपॉन टू, और यहाँ से जीरो क्या मिल जाएगा, माइनस टू रूट टू अपॉन थ्री। सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें बोला गया कि एक जीरो ये है बाकी के जीरो फाइंड करो, तो हम एक फैक्टर निकाल के, दो फैक्टर हैं मान लो, दो फैक्टर हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के और उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें रिमेनिंग फैक्टर मिल जाएगा। और एक बार अगर हमें रिमेनिंग फैक्टर मिल गया तो वहाँ से रिमेनिंग जीरोज भी आराम से मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का।
इफ एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस टू आर जीरोज ऑफ एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व देन फाइंड अदर टू जीरोज देन फाइंड अदर टू जीरोज. तो देखिए आप पे आपको दो जीरो पता है, एक माइनस वन सॉरी एक वन और एक माइनस टू. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x माइनस वन एंड x प्लस टू आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स. ये पी एक्स के फैक्टर होंगे. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ये भी क्या होगा, उस पी एक्स का फैक्टर होगा क्या? दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा. अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड करेगा और जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसके रिमेनिंग फैक्टर दे देगा आपको. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अगर ये पी एक्स का फैक्टर है तो इससे डिवाइड कर दें एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर. फिर से डिवाइड करें माइनस फाइव एक्स टाइम तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे कितना जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर. फिर डिवाइड कर दो प्लस सिक्स टाइम सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसका मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलता है यहाँ से एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. तो x माइनस टू और x माइनस थ्री इसके बाकी के दो फैक्टर हैं और रिमेनिंग जीरो की अगर आपसे बात की जाए तो रिमेनिंग जीरोज क्या हो जाएंगे टू एंड थ्री. क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है फैक्टर थ्योरम एंड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी एंड फैक्टराइजेशन वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.